are celebrating the success of our this new single called Party Punjabi Style. We are very happy to see the response actually. We released it by 20th of December and now it's everywhere on every music channel is dropping. The response is mind-blowing. We played on 31st, Rakhi was in Chicago performing the same song. I was in Indoor, we saw the response and it's overwhelming for all of us. And tonight, we all are here to celebrate it. Mr. Sony is with us, he is always being these kind of occasions, he is always there. Rakhi will perform tonight for all of you guys, for all of media persons. She you know, whatever she celebrates with media. So that is the occasion. And ek chota sa incident hai is album ke piche ki album main record kar chuka tha, single record kar chuka tha. To uske baad Rakhi asked me to take Daleer Paji's voice in this single. Aur Daleer Paji ki awaaz aane ke baad is gaane pe next level mila. Aur jis tarah ka response aaya shayad abhi Rakhi ji ko batayegi ki uske piche wo music, wo voice aur kul mila ke jo ek audio video combination hota hai jisme Rakhi ka performance चाहे वो बुढ़ा मिल गया था, परदेसिया था, वे में जेड़े पासे था, जितने भी गाने थे मेरे सारे गानों में उसमें एक परफॉर्मेंस ये लगता है, इसीलिए वो स्टैंड आउट हुए. तो ये कुल मिला के उसका परफॉर्मेंस, दलेर पाजी की वॉइस और व्हाट एवर द म्यूजिक है वो, सो अच्छा सब हुआ है. सो वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट. हम लोग आज रॉक करेंगे क्योंकि राखी का परफॉर्मेंस है, तो राखी विल से समथिंग एंड देन मिस्टर सोनी विल से. राखी इज गोना परफॉर्म फॉर मीडिया. दिस इज व्हाट शी डज. शी डज गणपति, शी डज रक्षाबंधन, शी डज एवरीथिंग फॉर मीडिया विद मीडिया. सो टुनाइट फर्स्ट शी विल बी सेइंग समथिंग एंड देन शी विल बी परफॉर्मिंग. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. हाँ, जैसे भाई ने बताया डीजे शेजवुड ने के पहले उन्होंने गाना बनाया पार्टी पंजाबी स्टाइल, किसी और से गवाया तो मुझे इतना मजा नहीं आया. मैंने कहा क्यों ना ये एक ऐसी आवाज में कोई सॉन्ग गाए जो धमाका हो जाए, तो मुझे दिलेर पाजी से बेटर किसी की आवाज नहीं लगी. तो मैंने कहा दिलेर पाजी को हम लोग गवाते हैं ये सॉन्ग पार्टी पंजाबी स्टाइल, क्योंकि इट वॉज हर अप्रोच, क्योंकि दिलेर पाजी ने पिछले 2 साल से कोई सिंगल नहीं गाया था. जब राखी ने बोला कि मुझे आपके साथ गाना करना है तो वो तैयार हुए और उन्होंने परफॉर्म भी किया. बिल्कुल, और मैंने उन्हें उनका जो तुनक तुनक तुम जो गाना था बहुत ही हिट था, तो उसके बाद काफी गाला कौवा काट गाएगा बहुत सारे सॉन्ग थे दिलेर पाजी के. तो बट ये जो हाई स्पीच का ये सॉन्ग था, तो इसलिए हमने कहा कि दिलेर पाजी इस सॉन्ग को गाए. और जब हमने गवाने के बाद उनके वॉइस पे कोई नाचने को तैयार नहीं था. हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे, कुछ स्टार्स भी देखे, कुछ स्टार्स के पास तो डेट्स भी नहीं थी, कुछ खान्स भी देखे, कुछ खान्स की कुछ ज्यादा खान्स भरी हुई थी. फिर हमने दिलेर पाजी को बोला भैया ये आपने गाया है तो अब आप खुद ही डांस कर लो इस पे. तो दिलेर जी ने इस पे खुद खुद के बहुत डांस किए हैं और मेरा वीडियो काफी टाइम के बाद एक अच्छा वीडियो मैंने जनता के सामने रखा है. आई होप कि उन्हें बहुत पसंद आएगा. और इसमें आप एक बार नहीं 3 बार शूट किया गया है. पहली बार है कोई वीडियो जिसे 3 बार शूट किया गया, एक मेरी नजर से और एक सेंसर बोर्ड की नजर से. मुझे पता नहीं था कि सेंसर बोर्ड के जल्दी आंखें खुल गई कि राखी सावंत के उनको सीन जल्दी नजर आ गए और उन्होंने कहा ओह माय गॉड राखी आपने सुनील कौशल बनाया. मैंने कहा अगर सेंसर बोर्ड को कहा अगर मैं आपको 200-400 फिल्म ऐसे दिखा देती हूँ जो स्मूची कितने की हुए आपने पास कर दिया, लड़कियां सुमित कौशल तो क्या कपड़े नहीं पहनती वो आपने पास कर दिया, सिर्फ मैंने एक सुमित कौशल ब्लू कलर का पहन लिया तो आपको इतनी तकलीफ हो गई. मैंने कहा मैं ओ मिर्च मेरे ही काम आ गई क्या, तो बहुत तकलीफ हुई. और फिर हमने फिर से रीशूट किया, काफी पैसे लगे इस पे बट फाइनली अच्छा शूट होके आ गया एंड सेंसर बोर्ड के हिसाब से थोड़े पूरे कपड़े पहनने पड़ गए. और इसे 2-3 प्रोड्यूसर हैं हमारे फेक इंडियन कॉर्पोरेट मूवीज जो है मेघ है, इन्होंने प्रोड्यूस किया है राहुल कपूर जी ने एंड चेतना एंटरटेनमेंट ने और अंकुर प्रोडक्शन सैफी फिल्म्स और हमारे भाई सोनी जो मेरे बहुत अच्छे भाई है और चरिश्मा स्पा के ब्यूटी स्पा के ओनर है, तो इन्होंने मुझे काफी हेल्प किया.
सेंसर बोर्ड के लिए बहुत सारी चीजों के लिए, वीडियो को रिलीज करने तक के लिए बहुत हेल्प किया. मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. और आज का स्पेशल जो मेरा परफॉर्मेंस है वो किसी के लिए नहीं है, ट्रस्ट मी. सिर्फ हाय जास, प्लीज कम ऑन द स्टेज. कम. तो ये स्पेशल परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए है. ये मेरा परफॉर्मेंस है. तो मैंने कहा कि अभी तक मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्लीज कम ऑन द स्टेज. हाय, क्या बात करना, वही करना, क्या बात. सो इजाज खान का हम वेलकम करते हैं, इज माय बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू. तो ये आज का मेरा परफॉर्मेंस और ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वीडियो के सक्सेस के लिए है. देर दो महीने और वीडियो चैनलों में चलता रहेगा. लोगों को बहुत पसंद आया है. दिलेर मेहंदी जी ने सिंग किया है, डांस किया है और मेरा वीडियो पहली बार आप सबके सामने आया है, हॉट वीडियो. एंड आई होप कि जनता को बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो. और डेफिनेटली 31st नाइट पे काफी झूम रही है. मैं तो शिकागो में धमाल मचा के आई हूँ. शिकागो में लोगों ने कहा कि पहले वहां पे स्नो नहीं हो रहा था, वक्त से पहले स्नो हो गया. मैंने कहा हाँ, क्योंकि शिकागो को मैं जाके गर्म करने वाली थी, उससे पहले ठंडा कर दिया. तो 31st का नाइट मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग रहा. और आई एम सो सॉरी कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में कर रही हूँ. हालांकि मैंने दिलेर बाजी के साथ दिल्ली में किया था परफॉर्मेंस, क्योंकि दिसंबर का महीना था एंड 31st नाइट था. दिलेर बाजी को भी जाना था अब्रॉड अपने शोज के लिए, मुझे भी जाना था. बट अभी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मीडिया के लिए, आज का परफॉर्मेंस सिर्फ मीडिया के लिए है. यस, हम लोग इस प्रोडक्ट में जो हम लोगों के साथ जिन लोगों ने हेल्प किया क्रिएटिवली, डायरेक्टर दिनेश तिवारी, डायरेक्टर प्रशांत, कुछ लोगों ने क्रिएटिवली कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम. सो अब हम इसको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे. एंड आई वांट राखी टू परफॉर्म ऑन द ट्रैक. होए सारे टक्के होलो, होए करो बीट नू फॉलो, होए सारे टक्के होलो, हो बंदे टक्कन खोलो, विद पार्टी 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 इन पंजाबी स्टाइल. सो शी विल बी परफॉर्मिंग फॉर अस. बिल्कुल, मैं आपका बहुत शुक्रिया भी करना चाहती हूँ. सेकंड, इसमें पहला वीडियो है जिसमें दो दो कितने डायरेक्टर है. और my film is coming dangerous husn. So definitely I have launched Sunny Leone's husband Daniel as a hero. So Rakhi, I request Rakhi also to do one of the song in my movie on this stage. You're ruling the even industry, Bollywood, or small screen also since a decade. Since even Rakhi has given this much of him, so definitely she going to rule, and you gonna be there. Thank you. Definitely, Sunny Leone ke husband ke saath definitely unko thoda hamara Indian movie ko chakhana padega. Definitely, aur main Dilair Mehndi ji aane wale the. बट उनका परफॉर्मेंस है, अब्रॉड जा रहे, वो लंदन जा रहे, तो इसलिए वो आ नहीं पाए. बट मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ की जो हमारी मीडिया है, मुंबई की मीडिया को मैं संभाल लूंगी. We'll be right back.
ठीक हूँ. सबका 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 मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. एंड सभी मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं. बहुत बहुत हिम्मत दी उन्होंने. पॉलिटिक्स छोड़कर मैं वापस अपने अवतार में आ गई. देखिए मैंने फिल्म इंडस्ट्री अपनी मर्जी से छोड़ा था और अपनी मर्जी से आई हूँ और पॉलिटिक्स को अपनी मर्जी से पकड़ा था बाद उसे छोड़कर आई हूँ. सो आई एम बैक टू माय वर्ल्ड. यही मेरी जिंदगी है. जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ. तो दिस इज माय लाइफ. मीडिया के सामने जैसे भी हूँ आप सबके सामने मैं हूँ. यू प्लीज एक्सपेक्ट मी लाइक दिस. ओके थैंक यू सो मच टू चेयर टू सेलिब्रेशन. सो वी रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू हाउ दिस इज सॉरी we request all of you please go ahead and enjoy the evening. Rafi Rafi ji aa jao Diwali come dekhiye hamare drivers aur boy ne sponsor dete hain isse matlab hum log pure na kuch hai visa come visa please come on stage para lagi hi aapke matlab mere please hamare dancers satya everyone ललित कम ऑन द स्टेज. पारो और आपके बगैर तो मैं यहाँ पहुंच भी नहीं पाती. यू हेल्प मी सो मच. मेरा कैमरा आ रहा है. हाँ बख्शी जी प्लीज आइए ना. अरे आज मैंने जो भी बॉडी बनाई है आपका नतीजा है ये. आपने डबल उठवाया मुझसे. तो डेफिनेटली इजाज प्लीज इजाज. जी सर इजाज ओके गाइस. ओके बोलिए राखी आप किसी भी पार्टी में आए और कलेश ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है. कुछ कलेश क्यों नहीं हुआ आज. देखिए मैंने कलेश करना छोड़ दिया है. आजकल कलश के पीछे हूँ तो मैं कलेश नहीं करती. मैं पहले भी नहीं करती थी. एंड आज की पार्टी सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए रखी है क्योंकि मैंने दिलेर पार्टी के साथ दिल्ली में मैंने इस वीडियो को लॉन्च किया था दिल्ली में. और आज मैं हाँ आज हम लोग सक्सेस पार्टी जो है मुंबई में कर रहे हैं. जैसा कि आपने बताया पहले इस गाने में दिल्ली पाजी की आवाज़ नहीं थी. आपने उनको बुलाया और ये गाना गवाया. अब वही पार्टी में नहीं आया तो मतलब क्या क्या कोई कलेश कर दिया क्या आपने. अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने मिक्का जी ने उनको मना कर दिया होगा आने के लिए. मुझे नहीं पता है. बट हाँ पहले मेरी फिल्म रिलीज हुई थी वहाँ पे मिक्का आए थे. दिलेर पाजी शायद बिजी हैं शोज़ करने में इसलिए दिलेर पाजी नहीं पहुँचे. बट उनके विशेष हमारे साथ हैं. yes. और उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है. बहुत अच्छा है. उन्होंने कूद कूद के डांस किया वीडियो में. आप ज़रूर देखिए. बाकी आपको ऐसा क्यों लगा कि अलग अलग स्टाइल होते हैं पार्टी मनाने के लिए. अलग स्टाइल लेकिन एक पंजाबी स्टाइल है. आप क्या स्टाइल पसंद करते हैं और इसके बारे में. देखिए आजकल पंजाबियों का ज़माना है और पंजाबी बहुत रॉक कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं पंजाबी गाना लेकर आऊँ और लोगों को बहुत पसंद आए. और पार्टी शुरू होती है पंजाबी से. पटियाला पैक से शुरू होती है तो दिलेर पाजी का गाना लगते ही लोग पटियाला पैक लगाने लगते हैं. क्योंकि आपने बताया कि हमेशा कॉम्बिनेशन का इतने सारे से आप लोग काम कर रहे हैं. बहुत पहली बात तो मैंने अभी कॉन्ट्रोवर्सी सब करना छोड़ दिया है और मैं ना ही पहले करती थी और ना ही मैं आगे करूंगी. अबाउट राखी आई कैन से वन थिंग कि हमारे जितने भी एल्बम्स हमने साथ किए चाहे गुड्डा मिल गया था वो हम बात अभी कर रहे थे अभी मैं जोड़े पास ही था परदेसिया वो इसलिए नोटिस होते थे कि राखी का परफॉर्मेंस अलग है. और इस बार भी यही हुआ कि पंजाबी पार्टी स्टाइल गाना आया और आते ही नोटिस हुआ लोगों ने पसंद किया.
तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। क्योंकि राखी ये गाना दिल्ली में मेहंदी जी ने गाया, आपकी बात इस सिलसिले में मीका जी से भी बात हुई नहीं क्या कि आपको उसके उनके बड़े भाई गाना गाने जा रहे हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, मैंने मीका जी को बताया था कि इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल देखने वाली नहीं हूँ, मेरी नज़र आपके बड़े भाई पे है। तो हम मान सकते हैं कि आपकी नज़र कहीं ना कहीं मीका जी पे रहती है? मतलब बिल्कुल नहीं, मेरी नज़र बिल्कुल मीका जी पे ऐसा नहीं है। मतलब यादों में तो होंगे ना वो? अब वो छोड़ दीजिए ना, यादों में है कहाँ है। अभी तो फिलहाल उनके बड़े भाई जो है दिलेर मेहंदी जी, उनके साथ वीडियो किया है, बहुत जल्द मीका जी के साथ भी कर लेंगे, उसमें क्या है, कोई बड़ी बात है नहीं। राखी जी, इसको शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे कि आपने कहा कि रीशूट किया गया है इस गाने को, तो शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा? जी मैंने सोचा था कि सेंसर बोर्ड को अच्छा लगता है, जनता को अच्छा लगता है कि पूरा यहाँ पे पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है, हिंदुस्तान की जनता ने पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया है, तो मैं अपने हिंदुस्तान की लड़कियों को बचाना चाहती हूँ, इसलिए कहते हैं ना कि पॉर्न स्टार का सामना करने आई हूँ और धमाका करूंगी अभी। और पॉर्न स्टार वर्सेस रॉक स्टार, हाँ पॉर्न स्टार वर्सेस रॉक स्टार, राइट। राखी, साल की अभी शुरुआत ही हुई है, आप दिखाई दे रहे हो, इट इज वेरी गुड टू सी यू। थैंक यू। साल में कितने अभी क्या रेजोल्यूशन बनाए हैं, इस साल को मतलब किस तरह से एक्चुअली? देखिए, इस साल का मेरा रेजोल्यूशन यही है कि जो पॉर्न स्टार को भगवान बनाया है हिंदुस्तान की जनता ने, उसकी बैंड बजानी है, बस यही है मेरा रेजोल्यूशन। अपने डांस से, अपने टैलेंट से और अपने ये तीखी जबान से। राखी जी, आपको लगता नहीं है कि? नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये एक फिल्म पॉर्न स्टार की एक फिल्म सेंसर में फंसी थी, तो उसे सेंसर करवा दिया गया, क्या हो रहा है? और मेरा एक अच्छा वीडियो सेंसर में फंस गया था, हालांकि उसमें कुछ था भी नहीं, इतना एक्सपोज नहीं था मैंने किया था, तो कहते कि ये नाइंसाफी अपने हिंदुस्तान की लड़की के साथ, बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। मैं सेंसर बोर्ड को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हूँ कि पॉर्न स्टारों के पैर छूते हैं, वो पॉर्न स्टार जो आते हैं उनको भगवान बना दिया है, लेकिन हिंदुस्तान की लड़की के, जैसे कि मेरा वीडियो उन्होंने रोक दिया था, उन्होंने कट दिए थे, या काफी कट दिए थे, तो मुझे रीशूट करना पड़ा मेरे वीडियो को, और यहाँ पे तो बगैर कपड़ों के टब में बैठे बड़े बगैर कपड़ों के जो पॉर्न स्टार्स हैं वो डांस कर रहे और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे जो कि हिंदुस्तान की संस्कृति को सूट नहीं करती है, और सेंसर बोर्ड उनके सामने झुक जाती है, दिस इज रेडिकुलस। मैं मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस बात के लिए, बट ईश्वर करे सेंसर बोर्ड में अच्छे अच्छे लोग आए और सबको एक तरीके से ही यू नो तोले जज करें। आप बार बार कह रही हैं कि पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया, कहीं ना कहीं आप भी तो उनसे कॉम्पिटिशन कर रही हैं, तो आपको लगता है कि आप उनसे ऊपर हैं क्या या नीचे हैं? क्या मुझे सुनाई नहीं देता? आपने ये कहा कि पॉर्न स्टार को भगवान बना दिया, भगवान बना दिया, तो मतलब आप उनसे कॉम्पिटिशन कर रही हैं? मैं कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे, हम किसी से, देखिए हम तो सालों से यहाँ पे हैं, इनको ज्यादा जरूरत है यहाँ पे कॉम्पिटिशन करने की, लोग जबरदस्ती के यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उनको, पसंद क्या करेंगे, बगैर कपड़ों के तो हर किसी को पसंद आता है, उसमें क्या पसंद करोगे आप? वो आप भी कर सकते हैं वो तो? नहीं, वो हम नहीं कर सकते, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में ही हम नहीं करेंगे, हम सामने पॉर्न स्टार जो सामने है, हम उनके पॉर्न स्टार बन के नहीं कॉम्पिटिशन करेंगे, हम टैलेंट दिखा कर, हम टैलेंट दिखाएंगे, हम डांस दिखा के ही लोगों के जनता का दिल जीतेंगे, हम लॉलीपॉप खा के जनता का दिल डेफिनेटली नहीं जीतेंगे, और ना ही लॉलीपॉप खिलाएंगे। नहीं, क्यों मैं दुखू, जो अपने आपको खुद ही, कभी उनका गाना आ रहा हॉर हूँ मैं, हॉर हूँ, तो वो गाना अभी खुद ही कह रही है हॉर हॉर, तो इससे ज्यादा करना क्या है? ओह माय गॉड, मैं दिन में 8 बार खाना खाती हूँ, छोटी छोटी मील लेती हूँ, खाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वेज हो नॉन वेज हो किस तरह के, मैं सब खाती हूँ, वेज भी खाती हूँ नॉन वेज भी खाती हूँ। ऐसा कोई डिश जो मतलब आपको बेहद पसंद हो, चाहे बचपन से या फिर आप खुद बनाते हो या आपकी मम्मी डैडी या होवर रिटर्न लेके? मुझे किसी भी स्टाइल का सैलड बहुत पसंद है, और मुझे चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, ग्रिल चिकन पसंद है, फिश फ्राई पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद, मुझे सारा खाना बहुत पसंद है, और मैं बहुत सारा खाना दबा के खाती हूँ और बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ। कोई चीज मतलब कौन बनाता है इनफैक्ट घर की, अगर मम्मी के बारे में बात की या फिर आप खुद कुछ बनाते हो या कोई भी? नहीं, मॉम फिश बनाती है, मैं महाराष्ट्रन हूँ, तो फिश करी एंड चावल एंड चिकन बिरयानी, कीमा पाव स्पेशली एवरी संडे मेरा फिक्स है, कीमा पाव मुझे बहुत पसंद है, चिकन बिरयानी एंड थोड़ा सा चाइनीज फूड भी पसंद है, मुगलाई भी बहुत पसंद है। अच्छा, कुछ
स्पेशलिटी जैसे आपने बिरयानी के बारे में बात की, तो वो क्यों आपको पसंद है, लाइक उसकी स्वाद के बारे में कुछ चावल बताएंगे या फिश के हैं तो स्पेशल एक कोहिनूर चावल जो होते हैं उसके जो जो बासमती या कोहिनूर पता नहीं कौन से चावल लंबे लंबे दाने, वो एक खुशबू आती है उसमें, चिकन होता है, एक लजीज एक बहुत अच्छा मसाला उसका होता है, एंड चिकन बिरयानी खाने में कुछ एक अलग मज़ा आता है। मैं एवरी संडे तो रोज़ खाती हूँ, एवरी संडे खाती हूँ। मुझे चिकन का कीमा भी पसंद है, रेड मीट का कीमा भी पसंद है, और मसाले वाला वो जो बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट क्वेश्चन, कुछ बनाती हूँ इनफैक्ट, लाइक आप अगर कितनी शौक, मुझे स्पेशल मुझे दाल तड़का बनाना आता है, चावल बनाना आता है, पनीर की सब्जी बनाना आता है, गोश्त बनाना आता है, चिकन करी बनाना आता है, और ये जब मैं बनाती हूँ तो मम्मी बहुत खुश होती है। स्पेशली सबसे ज़्यादा तो मैं मेरे मुंह में पानी आने लग गया, आई एम सो हंग्री। साल में एक बार खाना मैं पक्का बनाती हूँ, जब गणपति आते हैं तो गणपति के लिए पूरा फेस्टिवल में पूरा 56 भोग बनाती हूँ, बहुत सारी सब्जियाँ, पूरी, हलवा, बहुत सारे खाना बनाती हूँ। पार्टी इन पंजाबी स्टाइल, बिकॉज आजकल जो भी चैनलों पे सॉन्ग्स आ रहे हैं वो पंजाबी स्टाइल में आ रहे हैं, चाहे कोई भी आप टीवी स्टार्ट करो तो सारे सॉन्ग्स पंजाबी में बजते हैं, तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं पंजाबी गाना लेकर आऊँगी, लेकिन पार्टी करूँगी पंजाबी स्टाइल में। तो इस बार दिलेर मेहंदी जी को मैंने खूबसूरत सा गाना गवाया है, तरन्नुम सिंगर है, फीमेल सिंगर, और हमने खूब एक्सपोज किया है, खूब डांस किया है पार्टी पंजाबी स्टाइल में। अगर YouTube पे मेरा गाना देखे तो विदाउट कैची पहला जी की नज़र जो है वो बिल्कुल YouTube पे नहीं पड़ी है मेरे गाने पर। बिल्कुल अगर आप मेरा गाना देखेंगे तो बहुत ही हॉट एंड सेक्सी सॉन्ग है मेरा, हिंदुस्तान की जनता को कहीं बाहर से गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अपने हिंदुस्तान में बहुत सारा नमक है। दिलेर मेहंदी जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो आए, मेरे साथ वीडियो किया, गाना गाया, डांस किया, और बहुत सारे लोगों को जलाया। और हमारे मिका जी के साथ, दिलेर पाजी के साथ मेरा बहुत ही घरेलू रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और एक लास्ट सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन को इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे अमिताभ बच्चन जी तो लेजेंड हैं, उनको तो जितने भी पुरस्कार दे उतने कम हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अमिताभ बच्चन जी को इस हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दूं। आप किसी शो में आए और वहां पुलिस ने आया, तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब ऐसा क्यों हो गया? नहीं नहीं नहीं, पुलिस तो मेरे घर की है, पुलिस को तो मैं अपनी जेब में रखती हूँ। क्योंकि मैं खुद पुलिस के घराने से हूँ और उनकी अपनी बेटी हूँ, और एक खुद बॉम्ब हूँ, मैं खुद एक बॉम्ब हूँ, और बॉम्ब लेके थोड़ी ना घूमूंगी मैं, अगर मुझे फटना है तो मैं खुद फटूंगी। नहीं नहीं, मेरे घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं है मैं एक्सपोज करूँ, मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं कोई ऐसे डांस करूँ, मेरे घर वालों को यही पसंद है कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में रहूँ, लेकिन पॉलिटिक्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पॉलिटिक्स में मैं किसी की नौकरानी बन के नहीं रह सकती, मैं बॉलीवुड में रानी बन के रहना चाहती हूँ। थैंक यू। खुशी होती है, और उस फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला मुझे, बहुत सारे अवार्ड्स, चैनल के अवार्ड्स मिले, और आई ऑल्सो वन स्टेट अवार्ड, आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर फिल्म फेयर, और साइमा अवार्ड मिला मुझे, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो एक फिल्म के लिए परफॉर्मेंस इतना जब प्रेस करते हैं और इतने सारे अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत खुशी होता है, ऑफकोर्स बहुत खुशी मिलता है। नहीं, कोई भी हम फिल्म अवार्ड के लिए नहीं करते हैं, एंड ऑफ द डे जब आपके परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आती है या ऑडियंस को पसंद आती है, बिकॉज ऑडियंस आर आर फर्स्ट जजेस, तो जब ऑडियंस देखते हैं और उनको हमारे कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, और जब वो मेरी कैरेक्टर के नाम यशोदा थी, तो जब उनको मेरी कैरेक्टर पसंद आई, तो
तब मुझे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस होता गया. तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस. व्हेन दे स्टार्ट लाइकिंग अस वी विल विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. तो कोई भी स्क्रिप्ट जब होता है या प्री प्रोडक्शन जब होता है, हम ऐसे नहीं सोचते कि इस फिल्म के लिए अवार्ड आती है या इस फिल्म के लिए नॉमिनेशन होती है या नहीं. मैंने 15 फिल्म की है और 15 फिल्म में ऑलमोस्ट 3 फिल्म में मैंने अवार्ड जीत लिया है. तो आई थिंक ऑफ कोर्स गॉड्स ग्रेस और ऑफ कोर्स हार्ड वर्क चाहिए एक आर्टिस्ट के लिए. जो वो कैरेक्टर के लिए यू हैव टू गिव द लाइफ. तो जब आप उस कैरेक्टर को लाइफ देते हो तो डेफिनेटली यू विल विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. हाँ हाँ डेफिनेटली. हम वही बोल रही हूँ ना, क्या होता है एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की परफॉर्मेंस लोगों को बहुत पसंद आती है लेकिन फिल्म की स्टोरी पसंद नहीं आती है. यहाँ पे यू कांट हेल्प इट. जब फिल्म की स्टोरी एक फिल्म ऐसे होते हैं कि इट्स अ पैकेज. मतलब हीरो हीरोइन परफॉर्मेंस, हीरोइन अच्छी दिखनी चाहिए, हीरो अच्छा दिखना चाहिए, डायरेक्टर की स्टोरी, नरेशन, स्क्रीन प्ले, सब कुछ अच्छा होना चाहिए. तो आई थिंक इट्स अ पैकेज. तो फिल्म में एक भी खराबी हो तो इट्स नॉट गोना बी अ हिट. तो जब आपको ये पैकेज मिल जाता है और सबकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है देन ऑफ कोर्स यू विल विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. जब और फिल्म भी हिट हो जाती है, जब ये इसमें एक पॉइंट भी नहीं है तो फिल्म विल नॉट रन. और फिर भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के परफॉर्मेंस अच्छे हैं तो अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो जाते हैं. या मोस्ट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि जो चीजें हिट होती हैं जिसका नाम लेते हैं आर्टिस्ट भी उसी का नाम लेता है. कहीं ना कहीं आर्टिस्ट अपने आप को पहले पब्लिक से जोड़ता है, जो पब्लिक पसंद करेगी उसी का मैं नाम लूंगा. यस यस. ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं गलत है अपने हिसाब से? नहीं नहीं ऐसा नहीं है. मतलब अभी भी आप मुझे पूछते हो कि आपके बिगेस्ट हिट कौन सा है तो मैं इसी फिल्म की नाम बोलूंगी जो हिट हुआ है जो आपको पसंद है. हाँ पसंद है ये पूछेगी तो मैं बोलूंगी जो मुझे मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है वो फिल्म की टाइटल बोलूंगी मैम. तो दैट्स द डिफरेंस. वो तमस्सु है. दैट्स नो इट वाज एन एवरेज फिल्म. मतलब इट वाज नॉट लाइक क्या बोलते हैं 200 फिल्म्स. हाँ ऐसे नहीं है. बट इट वाज अ फिल्म व्हिच वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. मतलब मैं 18 साल की थी जब मैंने वो फिल्म की और वो मेरी पहली फिल्म है जिसमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले और बहुत अप्रिसिएशन मिला और बहुत सारे मतलब वो फिल्म में भी मैं एक सुपरस्टार के साथ एक्ट कर रही थी लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ ऑफर्स मिला. तो वो मेरी वो क्या बोलते हैं वो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था मेरे लिए. तो दैट इज एक फिल्म आप पूछते हो जो हिट नहीं हुई लेकिन फिर भी मेरी बहुत क्लोज टू माय हार्ट दैट इज तमस्सु. हाँ मैं राखी सावंत को बहुत फॉलो करती हूँ. मुझे वो एक बात के लिए बहुत आई लाइक हर अ लॉट. वो ये है कि शी इज़ वेरी क्या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. मतलब वो क्या थॉट है उसके वो बोल देती है. शी डजंट हैव एनीथिंग इनसाइड एंड शी डजंट टेल एनीथिंग आउटसाइड. सो उसकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है और वो बोल्डनेस है और वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है. मुझे मैं हूँ ना फिल्म में आई लव्ड हर कैरेक्टर. तो ऐसे ना जब आई फॉलो राखी अलॉट शी इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग. मतलब वो सिर्फ बात करती है. मतलब शी टॉक्स वॉट इज़ इन साइड बट अदरवाइज शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल. और उनकी एक एल्बम रिलीज हुई है और अच्छी एल्बम है. बेस्ट पार्ट इज़ वो बहुत अच्छी नाची है इस सॉन्ग में. तो आई रियली लाइक हर डांसिंग और आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट. और ये प्रोग्राम के लिए भी मैं सोनी जी की तरफ से आई हूँ. सोनी जी इस प्रोग्राम को होस्ट किए हैं. चरिश्मा स्पा के ओनर है सोनी जी. सो उन्होंने मुझे इनवाइट किया क्योंकि वो भी साउथ के फिल्म्स कर चुके हैं, प्रोड्यूसर है. तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं उनकी तरफ से आ गई. एंड आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ अ वेरी गुड प्रोग्राम. आई जस्ट वॉन्ट टू विश दिलर पाजी एंड राखी सावंत ऑल द वेरी बेस्ट. और ये एल्बम ऑलरेडी हिट है और बड़ी हिट हो और जो ब्लॉकबस्टर है उसकी लिस्ट में जोड़ दो. नहीं मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी भी नहीं हूँ. मैं थोड़ी शाई कैरेक्टर हूँ लेकिन मैं ऑफकोर्स मैं बात करती हूँ. मतलब मुझे एक टॉपिक मिल जाए और उसके बारे में मुझे पता हो तो मैं बात करती हूँ. तो दैट्स मे बी दैट्स अ सिमिलैरिटी. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली वेरी सून मैं बॉलीवुड में लॉन्च होंगी तो डेफिनेटली मिलना मुझे. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
यू लाइक टू नो कि अभी क्या चल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कर रहे हैं आप? See, actually, I just finished my south projects. अभी मैं बॉलीवुड में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ. तो मई में मेरा पिक्चर शुरू हो रहा है. प्रॉब्ली सेकेंड और थर्ड मई वी बी गोइंग ऑन फ्लोर्स. वी आर डूइंग इट इन फाइव लैंग्वेजेस. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम एक पिक्चर पांच लैंग्वेज में बना रहा हम. तो मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और हिंदी, सब पांच भाषाओं में होंगे. तो अब कास्टिंग चल रहा है. तो प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट. सो दैट्स व्हाई आई एम इन बॉम्बे. आई वुड लाइक टू नो कि कितना डिफरेंस है बॉलीवुड द सिनेमा यू डू, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता है. सी द फिल्म व्हिच आई एम डूइंग करेंटली, सॉरी मैं ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करता हूँ, पर जितना भी कर सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ मैं. तो दिस इज द सब्जेक्ट व्हिच वी आर करेंटली डूइंग. सी इट्स बीन फोर इयर्स सिंस आई केम टू द इंडस्ट्री, बट आई वॉन्टेड अ सब्जेक्ट व्हिच इज बियॉन्ड, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा. तो दिस फिल्म is a very very different cinema. The genre plus the making style is very very different from what you will see in a normal. How it is different in the sense, the treatment of the story. For example, what we call screenplay, a normal audience will not understand what is the screenplay. From the I cannot tell you what is the story about. It's about passion, I can say so much. It's about passion. And we have some Hollywood fight choreographers who will be coming in. Or the heroine ka casting abhi chal raha. And I'll be doing in all the five languages. So this is one film which, you know, I think will be one of the most closest to my heart. So dekhenge ki kaisa hoga. What would you like to say about this event? About Rakhi Sawant and this song launch? Any lines that you prepared for? No, I'm not prepared for any lines, but see, I've come here to wish Rakhi, I wish her all the best. She's always been, you know, very outgoing and very outspoken. And I think, you know, I respect her because jo kuch bhi kiya hai, uske mehnat se kiya hai abhi tak. So, you know, I respect that. And today, wherever she is, it's just because of what, you know, man, she's done. So, I also come up like that. So, that's why I've come to support her and, you know, hope it does much better than what it's doing now. And I hope she's, you know, more than politics, she should just keep entertaining the people. So yeah, I think that's what she's best at. So sir, thank you so much. Thank you. All the best. Thank you. आप जो भी करें वो रॉक हो. Thank you. और आपको हॉलीवुड आपकी पहली फिल्म जल्दी मिले. Thank you. Thank you. We'll meet soon. And I think December 24th 2016 is the release of my this film. So we'll meet in the launch. Okay. Thanks. Hi, this is Manik Soni from Charishma Beauty Style Wellness. Rakhi is my Rakhi sister, and definitely I'm a co-producer for this video album. And she's always been supportive to me, so I've been supportive for her. And it's really a very beautiful video album which has been very successful. So today I have thrown a success party specially for her, in which even Dalar, Mehndi, DJ Shahzod and Rakhi is there. राखी जी ने जब आपको बताया कि आपको आना है या आपको लगा कि ये इस इवेंट में आपको पहुंचना है, क्या क्या प्रिपरेशन आपकी रही है, आपने क्या क्या सोचा है, मतलब क्या क्या होने वाला है? सर मैंने सरप्राइज पार्टी दी है. अच्छा, सक्सेस पार्टी, तो उसको भी पता नहीं था, आज ही पता चला है. सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स मतलब क्या क्या करने वाले हैं, कितनी सरप्राइज पार्टी हमारी मीडिया के लिए जो हमें मिलने वाली है? सर मैंने दो तीन फिल्म्स ऑलरेडी बना चुके हैं जो अभी रिलीज में है, और एक साउथ की मूवी की शूट चालू है, और एक हिंदी फिल्म की शूट चालू है. सर हम विश करते हैं कि आप अच्छी फिल्में बनाएं और लोगों को एंटरटेन करें और आप आगे बढ़ते जाएं. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट.